Hello, students of class 4 once again. I am on chapter 10 of your GK book, Animal Behavior. Now, animal behavior means how do animals behave in different seasons. Now, बड़े amazing तरीके से behave करते हैं animals. Now, यहाँ पे तीन देखो bifurcation किया हुआ है. Animals adapt, migrate, hibernate. Right? Adapt का मतलब अपने आप को उस चीज़ में adjust कर लेना, उसको ढाल लेना अपने आप को, है ना. अब जैसे हम लोग हैं, अगर सुबह में हमको थोड़ी गर्मी लगती है तो अगर दिन में थोड़ी ठंडी लग गई तो हमारा हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन से. हम कहीं किसी और जगह पे नहीं जाते हैं उसको सर्दी से बचने के लिए. हम या तो कुछ अपना गर्म पहन लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ ऐसा फूड खा लेंगे. हम अडेप्ट कर लेते हैं अपने लाइफ स्टाइल को और एडजस्ट कर लेते हैं. हम लोग वार्म ब्लडेड हैं और टेम्परेचर के चेंजेस से हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना. अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं माइग्रेट करते हैं. यहाँ पे एनिमल्स में बर्ड्स भी आ रहे हैं एक तरह से. ये एनिमल्स जब इनको ठंडी बहुत हो जाती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. हजारों हजारों किलोमीटर, मीलों दूर चल करके ये दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर इनके इनके लाइक टेम्परेचर सूटेबल होता है. अभी हमने भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम सुना है ना, यहाँ पर दूर दूर से रशिया से विंटर सीजन में बर्ड्स आते हैं, पेलिकन्स आते हैं, और वो हजारों किलोमीटर लंबा उड़ करके आकर के सर्दी के सीज़न में भरतपुर में सरिस्का में रहते हैं, भरतपुर सेंचुरी में रहते हैं. और फिर जब ठंडी यहाँ पर जब गर्मी हो जाती है तो वहाँ थोड़ी कम सर्दी हो जाती है तो वापस उड़कर चले जाते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली माइग्रेशन. ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं और बर्ड्स करते हैं. हाइबरनेट का एनिमल्स गो टू एक्टिविटी ऑफ टू अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप और इन एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर्स. अब जब बहुत ठंडी पड़ती है तो कुछ एनिमल्स तो बिल्कुल दुबक के बिल्कुल चुपचाप अंदर ही चले जाते हैं 4-5 महीने के लिए, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं वो लोग. एक तरह से डीप स्लीप में सो जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद ही सो जाते हैं 6 महीने के लिए. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हाइबरनेट करना, राइट. सो हियर व्हाट इज डन इज देयर आर 6 एनिमल्स मेड. हमको इनके पिक्चर्स को देख के ये समझना है कि ये एनिमल्स अडाप्ट करते हैं कि हाइबरनेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, ठीक है. जस्ट सी द फर्स्ट वन, ये है बेर. ये क्या है, पहले तो हम एनिमल को आइडेंटिफाई करें. ये बेर है, BEAR. ये तो सर्दी पड़ते ही बेटा अपने डेन में घुस जाता है, ये डीप स्लीप में चला जाता है और ये हाइबरनेट करता है. ये वाले एनिमल्स इतनी ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. इनकी ब्रीदिंग, इनकी हार्ट रेट, इनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाती है इनकी बॉडी की एक्टिविटी. तो ये एनिमल्स जाके सो जाते हैं एक तरह से. सो इसको हम बोलते हैं डीप स्लीप में चले जाना, दिस इज हाइबरनेशन. सो बेयर इज वन एनिमल विच हाइबरनेट्स. और भी बहुत हैं, ठीक है. सेकेंड दिस इज अ बर्ड. बर्ड माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, बर्ड को जब ठंडी लगती है तो एक से दूसरी जगह उड़ करके चले जाते हैं. सो ये स्पैरो जो बर्ड बना हुआ है, वी कैन राइट हियर माइग्रेट और माइग्रेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, माइग्रेट. स्नेक आपने देखा होगा, जब बहुत विंटर या वैसा कुछ होता है वो दुबक करके अपने होल्स में चले जाते हैं और फिर बाहर में जब बारिश या गर्मी कुछ होती है तो अपने होल्स में से निकल कर करके आते हैं, है ना. सो दे ऑल्सो हाइबरनेट. सो लेट्स राइट हियर हाइबरनेट फॉर स्नेक्स. वो अंदर घुसे रहते हैं, ठंडी के अंदर बाहर नहीं निकलते हैं. नाउ दिस इज अ डॉग. डॉग तो आपने अपनी कॉलोनी में देखा होगा, डॉग कहीं नहीं जाता है, डॉग एडजस्ट कर लेता है अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को. एंड डॉग अडैप्ट्स, क्या करता है, अडैप्ट करता है ह्यूमन बींग्स की तरह अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द सीजन. ये भी मैमल है, देखो रैबिट भी अडैप्ट करता है. इन लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता इधर उधर, इनका बॉडी का टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट हो जाता है. एंड ये है एलिफेंट, ये भी अडाप्ट करते हैं, ये भी कहीं कोई हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सम एनिमल्स माइग्रेट फॉर फूड एंड अदर थिंग्स इफ इट इज़ टू कोल्ड, राइट. सम एनिमल्स हाइबरनेट सो ही जाते हैं, राइट. और इनका जो बचा कुचा खाना है जो होता है इनके पास उसी से काम चलाते हैं, राइट. एंड कुछ एनिमल्स अडाप्ट करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग. उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हम लोग भी हैं, हम भी अडाप्टिंग बॉडीज़ हैं. हम लोग सब वार्म ब्लडेड हैं और ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं,
राइट. सो हमारे लिए तो विंटर हो चाहे गर्मी हो, हम लोग एक्टिव होते ही है ना. हम लोग अपने हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, अपने हिसाब से खाना खा लेते हैं. वी कीप आर बॉडी टेम्परेचर्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न. अगर गर्मी पड़ती है तो हम लोग बहुत बहुत पानी पीते हैं, अपनी स्किन और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं. सो वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सीज़न. पर ये कुछ एनिमल्स नहीं करते हैं, वो अपन ने देखा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पेज, कम्प्लीट इट बेटा, एंड शो इट टू मी ऑन व्हाट्सएप व्हेनेवर यू कम्प्लीट इट. ओके, बाय बाय.